फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, नाकामी कभी भी कामयाबी से मुखालफत नहीं रखती, वो हमेशा कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। ये बात शायद आप नहीं समझते। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में बताऊंगा जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं और ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। और दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 7 जनवरी 2021 को, और पिछले एक महीने में एक सॉन्ग जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कि सॉन्ग है बिल्लो बग्गे बिल्ले या दकी करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले या दकी करेंगी, नहीं मेरा मरता उबाल खून गंग तो, काले जेल बस दे शौकीन न कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो, काले जेल बस दे शौकीन न कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। जी दोस्तों, ये सॉन्ग जो मैंने अभी आपको सुनाया है, पिछले एक महीने में हर गली मोहल्ले में ये सॉन्ग चल रहा है। दोस्तों, जिस सेलिब्रिटी ने ये गाना गाया है, मैं आज आपको उसकी बायोग्राफी बताऊंगा। वेलकम टू बायोग्राफी शॉप। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काका की बायोग्राफी। अगर आप काका के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। काका एक सिंगर हैं, पोइट हैं, लिरिक्स्ट हैं, एक कंपोजर हैं, इसके साथ साथ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको बताएं तो इन्होंने अपना डेब्यू सॉन्ग जो गाया था उसका नेम काका था, जो इन्होंने अपने ही चैनल पे जिसको अपलोड किया था। उसके बाद इन्होंने फिर कह लैब दे एक सॉन्ग गाया जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इसके अलावा इन्होंने तीजी सीट, लिबास, और इसके अलावा अगर बात करें तो दूर पेंदी, ये सॉन्ग इन्होंने गाए हैं। टोटल इन्होंने 5 गाने गाए हैं और ये 5 गाने बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। इन्होंने बहुत ही कम अरसे में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। दोस्तों, इसके अलावा काका एक ग्रेट आर्किटेक्ट भी हैं और पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में जॉब भी करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप बताएं तो काका पैदा हुए थे पंजाब इंडिया में, ये एक बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। काका को शुरुआत से ही लिखने का बहुत शौक था, ये बचपन से ही गाने लिखा करते थे। इनकी फैमिली में पेरेंट्स के अलावा इनके बड़े भाई हैं जो तो मैरिड हैं, और जिनकी एक बेटी है। एक विलेज से जो एक सर्च मिली है इनके बारे में, वो ये पता चला है कि ये बहुत ही प्योर हार्टेड मैन है। दोस्तों, इनका फुल नेम और अगर बात करें तो वो काका है, उनका निक नेम भी काका है। वह अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया 1994 में ये पंजाब इंडिया में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी जो कॉलेज की तालीम थी, इन्होंने अपनी कॉलेज की तालीम फतेहगढ़ साहिब पंजाब से हासिल की थी, और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रखी है। और अगर बात करें ऑक्यूपेशन का, तो इनका ऑक्यूपेशन लिरिक्स, सिंगर, कंपोजर, आर्किटेक्चर है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको बताएं इनके लेवल के बारे में, तो यार वैली प्रोडक्शन और हानी रिकॉर्ड्स के साथ इन्होंने काम कर रखा है। दोस्तों, इसके अलावा अगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स की बात करें तो इनका जो है इंस्टाग्राम पे ये काफ़ी जो है फेमस है, और बहुत से लोग इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। इनकी हाइट 5 फीट 11 इंचज है। र्यूमर्स के मुताबिक ये ऑटो ड्राइवर भी रह चुकी हैं। दोस्तों, इन्होंने अपना जो डेब्यू सॉन्ग था वो काका गाया था, जो कि 23 नवंबर 2019 सुनने में आया था, और ये सॉन्ग इन्होंने फिर डिलीट भी कर दिया था अपने चैनल से। दोस्तों, अब तक अभी अवार्ड नहीं मिला है। अगर बात करें दोस्तों फूड की, तो ये पिज़्ज़ा, आलू परांठा इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके फेवरेट कलर ब्लैक एंड वाइट है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं काका के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, इनके जो भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो भी प्राइवेट जॉब करते हैं। इसके अलावा काका को जो है वो ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये इंडिया में, राजस्थान में, हिमाचल में, असम, गोवा, ये इनके फेवरेट प्लेसेस हैं। इसके अलावा सिंगिंग के साथ साथ इन्हें लिखने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। ये पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं। इसको स्मोकिंग का और ड्रिंकिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है। और इसके अलावा काका जो है वो टैटूज के भी बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। दोस्तों, अगर आपको मज़ीद इनके बारे में बताएं, तो काका ने जो है जो अपना पहला सॉन्ग गाया था वो इन्होंने अपने ही चैनल पर अपलोड किया था, और इन्होंने वही अपना चैनल सारा का सारा जो डिलीट कर दिया था, पता नहीं किस वजह से। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको बताएं तो इनका जो लिबास सॉन्ग है वो इस वक्त आई थिंक जो है 70 मिलियन प्लस व्यूज उस पर हो चुके हैं। दोस्तों, अब अगर आपको इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में बताएं, तो इन्होंने एक सॉन्ग गाया था जिसका नेम था क्या लैंड दे, तो ये एक बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग गया था। तो इन्होंने फिर ये सॉन्ग जो है हानी रिकॉर्ड्स को दे दिया था। तो हानी रिकॉर्ड्स ने क्या किया था, ये गाना जो है इसको ट्रैक स्टूडियो को 12 लाख रुपये का बेच दिया। तो दोस्तों, वो जो उन्होंने प्रॉफिट सारा का सारा 12 लाख रुपये कमाया, उसमें से 1 रुपया भी काका को नहीं दिया। और इस बात का इंकशाफ
इस बात की जो रियलिटी थी वो इनकी माँ ने एक इंटरव्यू में बताई कि इसके बाद इन्हें एक रुपया भी नहीं मिला जो कि इन्होंने ये गाना इतनी मेहनत से गाया था। ये थी सुपरस्टार काका की बायोग्राफी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।